स्वागत है। मैं वर्षा सिंह ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार। गांधीनगर ओवरब्रिज को पूरा करवाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। आगार कार्मिकों की सहभागिता के लिए हुई बैठक आयोजित। अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष ने निरीक्षण कर तलब की पत्रावली। टैंक व्यवसाय समिति का पहला 2 दिवसीय अधिवेशन 25 से। संत शिरोमणि गाड़गे बाबा की मनाई गई जयंती। अब समाचार विस्तार से। संत दानाराम मंदिर में हुई चोरी का पर्दाफाश, 7 आरोपी गिरफ्तार। सुरेंद्र सिंह राठौड़ की रिपोर्ट के अनुसार भद्रायुन के निकट गोविंदला घाटी में स्थित संत दानाराम मंदिर में गत 25 दिसंबर रात्रि को हुई चोरी के वारदात में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी नरेंद्र पवार ने बताया कि थाना पिंडवाड़ा हल्का क्षेत्र से तलाश शुरू की और आरोपियों को उदयपुर से दस्तयाब किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने संत दानाराम मंदिर की चोरी की वारदात कबूल की है। पुलिस ने चोरों से चोरी किए नकदी व चांदी के 76 बरामद किए हैं और साथ ही वारदात में प्रयुक्त की गई 3 मोटरसाइकिल भी जब्त की है। कार्रवाई में पुलिस की टीम में किशनलाल बिश्नोई, जबर सिंह, मांगीलाल, अमर सिंह, बीजाराम सुथार, देवेंद्र सिंह, मान महेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, नरसी राम, अजय पाल सिंह, द्वारका प्रसाद, सुशीला शामिल थे। गांव में रेकी कर चोर कर रहे हैं हाथ साफ। राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार गांव सहित आसपास के गांवों में चोरों के आतंक से गांव में भय का माहौल बना हुआ है। निकटवर्ती ग्राम पंचायत सोमता में सोमवार को करीब रात को 11 बजे सोनी गोपाल पुत्र पुखराज की ज्वेलर्स की दुकान सहित तलसाराम की किराने की दुकान व दयालाल राजपुरोहित जबरा राम की घरों के ताले तोड़कर आभूषण व नकदी की चोरी की खबर मिलते ही रामसिंह थाने से ASI सुरेंद्र सिंह, लादाराम, रामलाल, सरवण कुमार, महिका राम पूरे जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि सुभाष चौधरी, भाजपा वरिष्ठ कार्यकर्ता अब्बू खां सहित आदि ग्रामीण मौजूद थे। पूर्व सरपंच मीठालाल पुरोहित ने बताया कि कुछ महीने पूर्व सोमता गांव में चोरी की वारदात हो चुकी है, मगर पुलिस अभी तक भी चोरी का राज नहीं खोल पाई है। पुलिस की इस लचर व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों में रोष है। NCC सीनियर डिवीजन प्रशिक्षण शिविर में दी कानूनी जानकारी। सुरेश गर्ग रोडला की रिपोर्ट के अनुसार चतुर्थ राजस्थान ई कंपनी के तहत चल रहे सीनियर डिवीजन वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में मुख्य वक्ता के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नरेंद्र सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि व्यक्ति चाहे कोई भी कार्य करे उसे हमेशा पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ करने पर निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि व्यक्तियों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य को केंद्रित रखते हुए पूरी ईमानदारी के साथ अपना कार्य करना चाहिए। NCC व्यक्ति को अनुशासित जीवन जीना सिखाती है, साथ ही इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार भी आता है और उसके आगे बढ़ने का हौसला भी जागृत होता रहता है। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में भारतीय सेना के नायब सूबेदार सवाई सिंह, हवलदार इंद्रजीत सिंह, हवलदार राजेंद्र कुमार मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन करते हुए NCC अधिकारी अंबिका प्रसाद तिवारी ने NCC छात्र छात्राओं द्वारा आयोजित गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताते हुए NCC प्रशिक्षण शिविर एवं इसके महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। महाविद्यालय के NCC प्रभारी डॉक्टर बंसीलाल दर्जी ने अतिथियों का आभार जताते हुए बी तथा सी प्रमाण पत्रों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान वीर वीरमदेव राजकीय सनातन कौर महाविद्यालय के सीनियर डिवीजन के NCC कैडेट्स उपस्थित थे। खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर। आपका स्वागत है। दुष्टक्रम पीड़िता को न्याय दिलाने को लेकर सौंपा ज्ञापन।
राजेश शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को जिला कलेक्टर को 36 कौम समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन में दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि 18 फरवरी को इग्नू जिले के पिलानी थाना क्षेत्र के गांव की 5 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई थी, जिससे संपूर्ण समाज में आहत है। पिछले सालों में राज्यों में ऐसी घटनाएं बहुत बढ़ गई है, जिसका मुख्य कारण अपराधी प्रवृत्ति के लोगों में कड़ी सजा का खौफ नहीं होना है। ज्ञापन में आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई। साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता व संपूर्ण सुरक्षा के साथ पीड़ित परिवार में से किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी की भी मांग की गई। ज्ञापन देते हुए ओम प्रकाश, प्रवीण सैन, सुरेश सैन, सलमान, रतनलाल व भाजपा जिला मंत्री सुशीला सैन भी मौजूद थे। वुशु प्रतियोगिता के दूसरे दिन हुए फाइनल मुकाबले। कन्हैयालाल मिश्रा की रिपोर्ट के अनुसार जिला वुशु संघ के तत्वावधान में सैनफर्ड स्कूल में आयोजित 36वीं जूनियर जिला स्तरीय वुशु प्रतियोगिता के दूसरे दिन बुधवार को फाइनल में रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। जिला वुशु संघ के महासचिव कन्हैयालाल मिश्रा व अध्यक्ष शिव दत्त आर्य ने बताया कि बालकों के फाइनल मुकाबले में चित्रांक सक्सेना, विहान राज सक्सेना, विशाल जोड़, सुल्तान खान, आर्यन कुमार, युग परमार, अभिमन्यु सिंह, केशव शर्मा, सागर परिहार, यश छीपा व दक्षु ने अपने अपने भार वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार बालिकाओं में सनाया बेनीवाल, वंशिका शर्मा, इशिता चौधरी, हिमानी वैष्णव, छवि चौधरी, दिव्या गोदारा, अदिति मंडलावत, निवेदिता, युविका व योगिता खत्री ने अपने अपने भार वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता के निर्णायक राजस्थान वुशु संघ के टेक्निकल ऑफिसर जोधपुर के अजय पाल सिंह, पुष्पेंद्र परमार, प्रीतम सिंह राठौड़, कुपाराम आर्य, चिंकू देवी, देवेश आर्य, आबिदा मेहर थे। ऑनलाइन योग प्रतियोगिता का आयोजन 1 मार्च से। पुष्पेंद्र परमार की जानकारी के अनुसार राजस्थान के युवाओं के लिए ऑनलाइन योग प्रतियोगिता का आयोजन 1 मार्च से होगा। इस प्रतियोगिता का आयोजन योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के द्वारा किया जाएगा। ऑनलाइन राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि 19 फरवरी से 25 फरवरी तक निर्धारित की गई है। प्रेम लहरी राज्य एबिलिटीज वीडियो राउंड 26 फरवरी से 1 मार्च तक, क्वार्टर फाइनल राउंड, सेमीफाइनल राउंड व फाइनल राउंड 15 मार्च तक होगा। परिणाम 16 मार्च को घोषित किया जाएगा। कोविड-19 को देखते हुए प्रतियोगिता का आयोजन ऑनलाइन किया गया है। वह जालौर जिला अध्यक्ष दशरथ चौधरी ने बताया कि प्रतियोगिता 6 वर्गों में वर्गीकृत की गई है। नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा राष्ट्रीय प्रतियोगिता 24 मार्च से 25 मार्च तक सुनिश्चित की गई है। जिन प्रतिभागियों का चयन राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में होगा, वही प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर पर भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जो जीतेंगे उन्हें होने वाले खेलो इंडिया गेम्स में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। खेलो इंडिया जून में हरियाणा में आयोजित होंगे। मंदिरों में मनाया वार्षिक महोत्सव। राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार रामसिंह निकटवर्ती मांडोली नगर में जय भवानी परिवार द्वारा सिक्कर मंदिर की 6वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर भगवान विष्णु की बड़े ही धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। जय भवानी परिवार द्वारा मांडोली नगर में सिक्कर मंदिर का निर्माण करवाया गया, जिसमें माँ चामुंडा, सोमनाथ और भगवान द्वारिकाधीश की मूर्ति की स्थापना की गई थी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सिक्कर मंदिर की भव्य सजावट कर भारी उत्साह के साथ वर्षगांठ मनाई गई। वहीं इस अवसर पर विशाल भजन संध्या का आयोजन भी रखा गया, जिसमें गायक कलाकार भाभूत जी एंड पार्टी, शंकर जी एंड पार्टी, लोक कलाकार फुसा जी एंड पार्टी समेत कई कलाकारों ने अपनी ओर से शानदार प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर डायालाल, कालूराम, मोहनलाल, अमृत, दिनेश सहित कई भक्तगण उपस्थित थे। इसी तरह मुकेश राजपुरोहित की जानकारी के अनुसार जालौर जिले की देवनगरी गढ़ बावत्रा में दहिया राजवंश की कुलदेवी केवाय माता जी का 10वां वार्षिक महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। केवाय माता ट्रस्ट के अध्यक्ष उग सिंह दहिया के अनुसार 24 फरवरी बुधवार को शाम में भजन संध्या व वार्षिक चढ़ावे की बोलियां बोली जाएगी। वहीं 25 फरवरी को अभिजीत मुहूर्त पर अमर ध्वजा चढ़ाई जाएगी। भजन संध्या में राजस्थान के सुप्रसिद्ध कलाकार ओम प्रकाश प्रजापत एंड पार्टी व मानवेंद्र सिंह दहिया अपने भजनों की प्रस्तुति देंगे। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार
आज जालौर शहर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जालौर।